केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच कुछ दिन पहले जो बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि 15 जून तक जो है पुलिस से चार्जशीट पेश कर देगी और आज पुलिस चार्जशीट पेश कर सकती है। सबूत के तौर पर सिर्फ फोटो और 164 के बयान हैं। पुलिस अदालत में आज चार्जशीट प्रस्तुत करेगी। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों में घिरे ब्रजभूषण के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करेगी चार्जशीट। दिल्ली से आ रही ये बड़ी जानकारी और देखने वाली बात यही रहेगी कि ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट में कौन कौन से आरोप जो हैं वो तय किए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अवनेंद्र सिंह। अवनेंद्र, जरा बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर। अवनेंद्र, तो ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। दिल्ली पुलिस दायर करेगी चार्जशीट। बीते दिनों खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन 15 जून तक के लिए टाल दिया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोप में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र दायर होगा। अवनेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अवनेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है? अवनेंद्र जी बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, जिस तरीके से जो WFI के पूर्व में अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, उन पर यौन उत्पीड़न के जिस तरीके से आरोप लगाए थे रेसलर खिलाड़ियों ने, आज उसकी दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश कर सकती है। जबकि 25 से अधिक गवाह उसमें जो है चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया और 100 से अधिक लोगों की जो है पूछताछ की गई। अब देखने वाली बात होगी जो दिल्ली पुलिस है वो चार्जशीट पेश होने के बाद क्या जो WFI के अध्यक्ष पूर्व में रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। जबकि साफ तौर से कहा जाए, जो दिल्ली पुलिस है उसने साफ तौर से ये भी कहा है कि जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की बात की गई थी तो उस तरीके का किसी भी खिलाड़ी के पास से कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं मिला है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। जी लेकिन अवनेंद्र, अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें कहा गया है कि फोटो और 164 के बयान हैं जो आज चार्जशीट के थ्रू जो है वो दाखिल किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए उसमें बयान जो है 100 से अधिक लोगों से जो ब्रजभूषण सिंह के करीबी थे उनसे पूछताछ की गई थी, ब्रजभूषण सिंह के जो रिश्तेदार थे उनसे पूछताछ की गई थी, और जहां बाहर यानी विदेशों में ब्रजभूषण सिंह और जो फोटेशन के जो है और जो होटलों में रुके थे वहां भी पूछताछ की गई थी, वीडियोग्राफी की खंगाल की थी दिल्ली पुलिस ने। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि बाहर विदेश की जो लगातार जो फेडरेशन थी उन्होंने जो है किसी तरीके का दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं किया है, साफ तौर से ये भी कहा है। और अब देखने वाली बात होगी जो दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश करेगी, क्योंकि लगातार पिछले 4 महीने से हम देखते आ रहे हैं लगातार जो पहलवान है ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। कहीं कहीं अभी इस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, उन्होंने लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली बिल्कुल 37 दिन से ज्यादा जो है धरना प्रदर्शन पहलवानों का चला था और बाद में जो है पुलिस के द्वारा किस प्रकार से उन्हें उठाया गया था धरने से वो भी सभी ने देखा। बहुत शुक्रिया अवनेंद्र से तमाम जानकारी के लिए। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए पहलवानों के लिए 15 जून का दिन अहम है। पहलवान धरने पर फिर लौटेंगे या नहीं, ये तय होने की घड़ी आ गई है। बीते दिनों खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन 15 जून तक के लिए टाल दिया था।